बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कढ़ी की रेसिपी, जो बहुत मज़े की बनती है और सबको बहुत पसंद होती है। मुझे भी बहुत पसंद है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा आपको कैसी लगती है। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याली दही ली हमने और एक प्याली बेसन, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1.5 से 2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया लिया है हमने, 1/2 टीस्पून, 2 अदद प्याज, इसको बारीक काट लेंगे हम। अब एक बाउल लेंगे, उसमें दही बेसन सारे ड्राई पाउडर डाल के पानी की मदद से इसको फेंट लेंगे। इसको लिक्विड फॉर्म में करना है, बिल्कुल लिक्विड हो जाए ताकि ये। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें छन्नी के साथ इसको छानेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, ये बिल्कुल लिक्विड हो जाए। अब इसको चूल्हे पे हम चढ़ा देंगे, इसको जोश आने तक पकाएंगे। लेकिन इसमें हमने लहसुन अदरक भी डालना है अभी। देखें मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं इसके, अभी देखें नहीं हुए हैं। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक डालेंगे, हमने लहसुन अदरक डाला, फिर हमने प्याज और ज़ीरा डाला, इसको जोश आने तक पकाएंगे। वो कढ़ी 3 से 4 घंटे में पकती है, ये जल्दी बिल्कुल भी नहीं बनती, और जितनी देर लगती है इसको पकने में उतने ही मज़े की बनती है। ये देखें इसमें उबाल आ चुका है, अब इसकी फ्लेम को लो कर देंगे, अब इसको ढक देंगे। आप देखिएगा मैं कैसे ढक रही हूँ, ताकि आप भी वैसे ही करिएगा, ताकि कढ़ी बहुत जल्दी गिर भी जाती है चूल्हे पे। अब देखें ये अच्छी तरह पक रही है, ये गाढ़ी भी होती जा रही है। अब चलें हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। 2 प्याली हमने बेसन लिए, 1 प्याली हमने प्याज काट ली, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, ज़ीरा लिया हमने 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च 1.5 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़ायका और खाने का सोडा 1/2 टीस्पून। अब इसको एक बाउल में हम मिक्सर बनाएंगे पानी की मदद से, जैसे पकोड़ों के लिए बनाते हैं। सब चीज़ों को मिक्स कर लें। पहले इन ड्राई पाउडर को मिक्स करेंगे, अब इसके अंदर प्याज हरी मिर्ची डालेंगे बाद में। ये देखें प्याज जा रही है और हरी मिर्ची। प्लीज पीछे की आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। अब हम 1 प्याली में तेल लेंगे, इसके हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े हम तो तवे में बनाते हैं, आप लोग कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये देखें मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, इसको हम डायरेक्ट कढ़ी में डालेंगे, पानी में ये नहीं जाते, और फिर इसी तेल में हम भगार लगाएंगे। देखें भगार के लिए हमें गोल मिर्चें और ज़ीरा लिया है हमने, 7 से 8 गोल मिर्चें ली हैं और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। इसमें कड़ी पत्ता भी डलता है और बहुत मज़े का लगता है वो, क्योंकि कढ़ी में तो कड़ी पत्ता तो डलेगा, लेकिन वो मेरे पास अभी था नहीं तो इसलिए मैंने नहीं डाला। ये देखें इसका फाइनल लुक, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये, इसके अंदर भगार देखें कितना प्यारा लग रहा है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखें ये कढ़ी पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं आपके सामने कौन सी रेसिपी लेकर आऊं। प्लीज़ अल्लाह हाफिज़।